दोस्तों, आज मैं आपको YouTube हैंडल के बारे में बताऊंगा। YouTube हैंडल कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं, ये सब बताऊंगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोजराम वर्मा, आप देख रहे हैं ऑफिशियल वर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यूट्यूब पर चले जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ पहले जो मैंने अपने चैनल पर सेट किया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है। यहाँ से लोगों पर क्लिक करके मैं अपने चैनल पे चले जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे चैनल का नाम लिखा है ऑफिकल वर्मा जी। उसके नीचे में आप देख सकते हैं @ ऑफिकल वर्मा जी, यही हमारा यूट्यूब हैंडल है दोस्तों। अब इस नाम से कोई अननोन पर्सन और चैनल नहीं बना सकता। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम में कोई दूसरा यूज़र नेम नहीं बना सकता। जैसे कि आपका एक यूज़र नेम है तो वही नाम से वही नंबर से कोई दूसरा यूज़र नेम नहीं बना सकता। सेम वैसे ही दोस्तों आपको यूट्यूब पर यही नाम से चैनल नहीं बना सकता। तो यही हैंडल के नाम से आया है दोस्तों। आप हैंडल बनाते टाइम में नंबर भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ आखिरी में। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम में कोई नंबर डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं, सेम वैसा ही आप इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसे सेट कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ दोस्तों और उसमें आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा दूसरा चैनल ओपन हो गया, मतलब कि दोस्तों ये चैनल नहीं है, मैं इस पर वीडियो भी अपलोड नहीं करता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, सेम आपके इसमें भी ऐसे ही बता रहा होगा जब आपका नया चैनल रहता है। जब तक आप YouTube हैंडल सेट नहीं किए होंगे तब तक ऐसा ही कुछ बताता है। तो चलिए मैं इस पर आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जीमेल का ऐप ओपन कर लेना है। मान लो आपको जीमेल पर मैसेज नहीं आया है, फिर जीमेल से सेट नहीं हो रहा है दोस्तों, आप हैंडल नहीं बना पा रहे हैं, तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। तो वहाँ से आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए मैं चले जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों YouTube.com। चलिए मैं लिख लेता हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों YouTube.com, आपके सामने YouTube ओपन हो गया है। आपको यहाँ पे एरो पर क्लिक करना है, देखिए रेड कलर का एरो। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, देखिए डेस्कटॉप साइट। इससे क्या होगा दोस्तों, आप मोबाइल को कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पर करेंगे, देखिए हमारा YouTube ओपन हो गया है, जो कि कंप्यूटर की तरह लग रहा है हमारा मोबाइल। अब यहाँ आने के बाद सिंपली आपके चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये वाला चैनल आपका नहीं है तो सिंपली स्विच अकाउंट में क्लिक करके आप वो चैनल लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यही चैनल है तो सिंपली यूअर चैनल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यूअर चैनल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा चैनल ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज चैनल, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसे क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है। क्रोम को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आया है। चलिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ। सबसे ऊपर में लिखा है दोस्तों लेआउट, उसके बाद में ब्लेंडिंग, उसके बाद में बेसिक इन्फो। हमें दोस्तों बेसिक इन्फो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बेसिक इन्फो पर क्लिक करेंगे, चलिए मैं फिर से जूम कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा बेसिक इन्फो ओपन हो गया। यहाँ पे आपका चैनल का नाम दिखेगा और नीचे में आप देख सकते हैं हैंडल लिखा हुआ है। चूज़ यूअर इनका हैंडल बाय हेडिंग लेटर एंड नंबर, यहाँ पर आप अपना हैंडल बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पुराने वाला जो हैंडल है दोस्तों इसे हमें हटा देना है। चलिए मैं हटा लेता हूँ। जैसे आप हटाएंगे, अब अपना नाम से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जो भी आपके चैनल का नाम है वही नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मेरे इसमें एमओ लिखा है तो एमओ मैं लिख देता हूँ। एमओ लिखने के बाद में दोस्तों ये तीन वर्ड और डालने को बोल रहा है, चलिए मैं डाल लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने 123 डाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एक नंबर आ रहा है, मतलब कि ये वाले नंबर से हम नहीं बना सकते। ये जो नंबर आया है सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है आपको। ये नंबर अभी अवेलेबल है तो चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका हैंडल लग चुका है, ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं आपका लिंक भी आ गया है। ये देखिए आखिरी में YouTube.com@mo.1236, तो इससे आपका लिंक भी बन गया दोस्तों और हैंडल भी सेट हो गया। उसके बाद में दोस्तों ऐसा स्लाइड करेंगे इधर में और यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, देखिए कोने में। चलिए जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं पब्लिश लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने के बाद में अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। जैसे ही यूट्यूब ओपन करेंगे, यहाँ से अपने चैनल पर चले जाना है और ये आप देख सकते हैं मेरे नाम के नीचे दोस्तों @mo.1236 सेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप अपना यूट्यूब हैंडल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।